हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 7th ग्रेड हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर मेकिंग 48 लीटर मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 5:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मिक्सचर टू मेक इट क्वांटिटी इक्वल टू दैट ऑफ मिल्क। यानी कि मिक्सचर है 48 लीटर का जिसमें कि मिल्क है और वाटर है। मिल्क है 5 और वाटर है 3। 5:3 का इसमें बताया गया है। तो वाटर और कितना ऐड किया जाए कि वो मिल्क के रेशियो के बराबर आ जाए। ठीक है, मानते हैं पहले लेट्स लीटर। तो बोला गया है कि हम लोग को मिल्क के रेशियो के इक्वल करना है। तो मिल्क का तो 5 था तो 18 ही लीटर है यहाँ पे और यहाँ 30 है। तो कितना और लेना पड़ेगा? एडेड 30 - 18 कर दो यानी 12 लीटर और हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी एंड सी हैज 1371 इन द रेशियो ऑफ मनी बिटवीन ए एंड डी 1371 माइनस कर देंगे तो आएगा 1200 रुपीज। टोटल शेयर्स ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा? रुपीज 1200। और रेशियो में कितना हो जाएगा? 3:5 है यानी कि 3x 5x। तो 3x + 5x इज इक्वल टू 1200। 8x = 1200। तो 1200 बटा 8 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 150। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए का शेयर पूछ रहा है तो ए शेयर इज इक्वल टू 150 × 3 रुपीज 450। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन स्कूल 4:3। 360 गर्ल्स इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय also find the total distance of the school। यानी कि रेशियो में दिया गया है कितनी गर्ल्स हैं और कितनी बॉयज हैं। तो बॉयज 4 हैं और गर्ल्स 3 हैं, 4:3। और 360 गर्ल्स अगर हैं स्कूल में तो बॉयज कितने हैं और टोटल स्ट्रेंथ यानी कि पूरे बच्चे कितने हैं स्कूल में। ठीक है, मानेंगे लेट द बॉयज इक्वल टू 4 × 8 4 और गर्ल्स 3x। और गर्ल्स हैं कितने हैं? 160 गर्ल्स हैं। 3x = 360 / 3 ये 120 आ गया। बॉयज कितने हो गए? 4 यानी कि 480 ये बॉयज हो गए। अब टोटल स्ट्रेंथ 480 में प्लस करेंगे 360, जोड़ेंगे 0, 4, 8, 840 और 480 आंसर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन फैमिली 9:7। द इनकम ऑफ फैमिली इज 45,000, फाइंड देयर एक्सपेंडिचर। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:7 है और अगर फैमिली का इनकम 45,000 है तो एक्सपेंडिचर कितना ही बताना है। तो लेट मी द इनकम
एक्सपेंडिचर होगा 7x, और अगर इनकम दिया गया है रुपीज 45,000 तो 9x इज इक्वल टू 45,000 x इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 5000 x इज इक्वल टू 5000 हो गया 7x यानी कि एक्सपेंडिचर 7 × 5 = 35,000 ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अ ट्रेन अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन 50 मिनट्स हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रन 98 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर को 50 मिनट्स में कवर करता है तो 98 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर करेगा तो हम लोग एक तो निकालते हैं जनरली जैसे कि वन कोई आदमी किसी काम को चार दिन में करता है तो एक दिन का काम निकालते हैं तो इसको रेशियो में निकालेंगे मानेंगे लेट द टाइम इज इक्वल टू एक्स अगर 35 किलोमीटर हो कितने देर में करता है 50 मिनट में करता है ना तो 35 यहाँ पे रेशियो इज प्रोपोर्शनल 50 मिनट में करता है और यहाँ पे एक्स नहीं है क्योंकि हमसे टाइम पूछ रहा है और 98 किलोमीटर कवर करना है टाइम को एक जगह करनी है और डिस्टेंस को एक जगह करनी है अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो 35x इज इक्वल टू 98 × 50 तो x इज इक्वल टू 98 × 50 अपॉन 35 डिवाइड करेंगे 5 से 7 टाइम्स से 5 से 10 टाइम्स से ये जाएगा इससे 14 टाइम्स यानी कि x का वैल्यू 140 मिनट्स ओके आज के लिए बस इतना ही थैंक यू